काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए। मैंने उर्दू टाइपिंग कोर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत से कोर्स कर रखे हैं। मुझे पहली बार कारवाने हयात में लाया गया, बहुत खौफ सा रहने लगा था। ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ बैठा हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट जो है उसको कहते हैं डिल्यूजन्स एंड हैलूसीनेशन्स। हैलूसीनेशन्स का मतलब क्या है कि वो शय है नहीं सामने लेकिन उसको महसूस हो रही है। मैंने 10 से 12 डॉक्टरों को अलग अलग दिखाया मगर मेरी कंडीशन किसी को समझ में नहीं आई। जितना जल्दी इस बीमारी के अंदर इंटरवेंशन की जाए या इलाज कराया जाए उतनी इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। बिलाखिर मुझे कारवाने हयात लाया गया और इब्तिदाई इलाज से मेरी हालत बेहतर हो गई। तेज़ाम में मैं सिर्फ यहाँ 17 दिन के लिए आया था। रजा बहुत ही डिस्टर्ब कैफियत में दाखिल हुए थे मगर जब मेरी तबीयत में बेहतरी आने लगी तो मैंने डॉक्टर से कहा मुझे यहाँ मज़ीद कुछ दिन रहना है। तो दवा के साथ साथ जो है कारामद शहरी बनाने के लिए रिहैब से गुज़ारा जाता है। यहाँ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा और यहीं पर जॉब भी की। मैंने यहाँ म्यूजिक सीखी और यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स भी इम्प्रूव किया। योगा क्लासेस मैं आज तक लेता हूँ। इंडोर गेम्स का चैम्पियन भी रहा हूँ और क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ। कारवाने हयात में एक छोटा सा गार्डन है और यहाँ छोटी मोटी सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं और यही खाने में इस्तेमाल हो जाती है। और जब आगे बढ़ते रहे और दवा भी वो खाते रहे तो उनकी ज़हनी इस्तेदाद जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। जब बेहतर होना शुरू की तो कोशिश की गई कि इनको शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाए और ये अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को सेट रखें। और ख़ानदान का माहौल अगर बहुत बेहतर रहे तो इस तरह के मरीज़ भी बहुत स्टेबल रहते हैं और बहुत कम दवा पे सेटल हो जाते हैं। अब ना सिर्फ रोज़गार पे हैं माशाल्लाह, अपना गुज़ारा कर लेते हैं, अपनी दवाएं ले लेते हैं। उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी माशाल्लाह। अल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से B.Com कर रहे हैं माशाल्लाह और साथ साथ एक दुकान पर जॉब भी कर रहे हैं। कारवाने हयात रोज़ ही जाता हूँ क्योंकि कारवाने हयात अदारा नहीं, मेरा दूसरा घर है।